नमस्कार, आज इस वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो कल्चर डिशेस कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो एम्ब्रियो कल्चर डिश बेसिकली क्या है? तो IVF प्रक्रिया में जब हम लोग स्त्री बीज को फर्टिलाइज करते हैं तो उन्हें एम्ब्रियो कल्चर डिश या फिर एम्ब्रियो कल्चर मीडिया में रखते हैं जहाँ पे उसकी बढ़त होती है। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में जो स्त्री बीज फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर आगे उसकी बढ़त होती है, तो वही एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो एम्ब्रियो कल्चर मीडिया ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइनो एसिड्स ये मेन एनर्जी सोर्स होते हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। कल्चर डिशेज हम लोग प्रोसीजर के एक दिन पहले बनाते हैं। अगर ओवम पिकअप कल सुबह है तो आज शाम को हम लोग सारे डिशेज बना लेते हैं और फिर इनक्यूबेटर में हम लोग गैसिंग के लिए रख देते हैं। तो गैसिंग बेसिकली इसलिए चाहिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रल पीएच की ज़रूरत होती है, तो एम्ब्रियो कल्चर मीडिया का पीएच वो 7.2 टू 7.4 के बीच में होना चाहिए। तो उसके लिए हमको कल्चर मीडिया को गैसिंग के लिए रखना होता है। तो ओवरनाइट हम लोग ये कल्चर डिशेज जो बनाए वो गैसिंग के लिए रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिशेज कैसे बनाते हैं। IVF कल्चर डिशेज जब हम लोग बनाते हैं तो ये लैमिनार फ्लो के अंदर बनाते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। जब हम लोग डिशेस बनाते हैं तो पेशेंट का फाइल हमेशा हमारे साथ में होता है ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कि डिश पे हमने पेशेंट का नाम लिख दिया है और जो चारों वेल्स हैं उस पे पेशेंट के इनिशियल्स हमने लिख दिए हैं। ये कल्चर मीडिया है, इसे हम लोग IVF कल्चर डिश में फिल करेंगे एक पाश्चर पेपेट की मदद से। ये एक स्टेराइल पाश्चर पेपेट है, ये स्टेराइल पैकिंग में आता है। तो पाश्चर पेपेट से हम लोग मीडिया को विड्रॉ करते हैं ऐसे। कल्चर मीडिया फिल करने के बाद हम इसे ऑयल से ओवरले करते हैं ताकि जब ये इनक्यूबेटर में हम लोग रखेंगे तो कोई इवेपोरेशन ना हो। थोड़ा सा ही ऑयल हमें ओवरले करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो वेल से बाहर आ जाता है। हमें सिर्फ मीडिया के सरफेस को कवर करना है, सिर्फ उतना ही ऑयल ओवरले करना होता है। ये हम लोग ICSI प्रोसीजर के लिए डिश बना रहे हैं। तो ICSI डिश ये अलग डिश होता है, इसमें बेसिकली दो अलग मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग। जो पहला मीडिया है उसे PVP कहते हैं। PVP मीडिया ये स्पर्म्स के लिए होता है। PVP ये विस्कस सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि स्पर्म्स बहुत रैपिडली मूव होते हैं, तो ICSI करते वक्त जब हम लोग स्पर्म्स को PVP में डालते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और हमें पिकअप करने में आसानी होती है। और जो दूसरा मीडिया है वो है हिपीज बफर्ड मीडिया, ये एग्स के लिए होता है। तो स्पर्म्स को पिकअप करने के बाद जब हम लोग एग्स में स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं तो इस मीडिया में इंजेक्ट करते हैं। PVP के 3 ड्रॉप्स हम सेंटर के डिश में बनाते हैं और हिपीज मीडिया के 7 से 8 ड्रॉप्स ये PVP के अराउंड हम लोग बनाते हैं। और इसे भी ऑयल से ओवरले करना होता है।
अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक आते रहे, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।